बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज की कहानी, यानी के कुंडों की न्याज की कहानी, जिसे सुनकर आप सबका ईमान ताजा हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, एक शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियां काटकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करता था। यहाँ तक कि उसकी हालत ये थी कि दिन ब दिन उस पर कर्ज चढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना मैं दूसरे शहर जाकर मेहनत करूं, काम ढूंढूं, ताकि हमारा कर्ज उतर जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाएं। उसकी बीवी ने कहा, अगर आपकी ये मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। बस वो शख्स वहाँ से दूसरे शहर की जानिब निकल गया। दूसरे शहर में उसने बहुत काम ढूंढा, लेकिन उसको काम नहीं मिला तो उसने वहीं लकड़ियां काटकर गुजर बसर करना शुरू कर दिया। उसने ये चाहा कि कुछ पैसे जमा कर लूं, उसके बाद अपने वतन वापस चला जाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी रोती रहती थी, दिन रात दुआ करती रहती। जब उसके घर में कुछ भी न बचा तो वो गुजर बसर करने के लिए शहर के वजीर के पास गए और कहा कि मैं गरीब और लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें, मैं आपके घर का काम भी करती रहूंगी, मुझे बस दो वक्त का खाना दे दें। वजीर ने अपनी बीवी को कहा कि इसको घर में रख लो और उसको नौकरों का काम समझा दो। वो मजबूर औरत उस वजीर के घर काम करती रही और अपने शौहर के लिए दुआ मांगती रही। दिन महीनों में गुजर गए और महीने साल की तरह बढ़ते गए, लेकिन उसका शौहर अभी तक ना आया। एक दिन वो औरत जब रोते रोते रात को सो गई, तो रात को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और वो औरत देख रही है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, बताओ कि आज कौन सी तारीख है। इमाम के साथ जो इमाम के चाहने वाले थे उनमें से एक ने कहा कि आज 22 रजब है। इमाम ने फरमाया, याद रखना, जो भी हमारा चाहने वाला इस दिन हलूस दिल से न्याज दिलाए और अल्लाह से कोई दुआ मांगे तो अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करेगा। बस ये सुनना था कि औरत की आंख खुल गई, वो नींद से जाग गई। उसने जब देखा तो वो रात 22 रजब की थी। उस औरत ने सुबह उठकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज दी और दुआ मांगी। ये अमल अभी चल ही रहा था, वो न्याज बांट ही रही थी कि वहाँ दूर जो उसका बेवतन शौहर था लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काटते काटते एक मर्तबा कुल्हारी जब उसने दरख्त पर मारी तो जैसे ही दरख्त गिरा तो उसकी जड़ों में खजाना छुपा हुआ था। वो खजाना देखकर खुश होने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, और अल्लाह का शुक्र अदा करके वो खजाना लेकर घर वापस लौट आया। अपनी बीवी को लेकर एक शानदार महल बनाया और दोनों खुश रहने लगे। फिर बीवी ने अपने शौहर को बताया कि जो अल्लाह का करम हुआ है, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सदका है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा था कि उस दिन नियाज करके अल्लाह से हमारे सदके दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी उस दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज करते। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई, दूर से देखा कि एक आलीशान घर बना हुआ है। अपनी कनीजों से पूछा कि ये इतना शानदार घर किसका है। कनीजों में से एक कनीज ने कहा, ऐ शहजादी, ये आपकी उस कनीज का घर है जो आपके यहाँ कुछ देर काम करती रही। शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल कैसे बना, जाओ उसको बुलाओ। कनीजें जाती हैं और उस औरत को बुला कर ले आती है। वो औरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया उन सब के सामने बयान कर देती है। न्याज के ख्वाब का हलूस दिल से वजीर की बीवी को बताती है कि इमाम ने कहा था कि उस तारीख को न्याज करो, मैंने दिल से नजरों न्याज की, अल्लाह ने मुझे नमाज दिया। वो वजीर की बीवी दिल ही दिल में कहने लगी कि इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना, यकीनन उसके शौहर ने कहीं से चोरी की होगी और उसके बाद ये मेरे सामने कहानियाँ बना रही है। वो औरत तो वहाँ से चली गई, लेकिन वजीर की बीवी के दिन बदलने लगे। अचानक से नायब वजीर, जो वजीर से हसद रखता था, उसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूरा हिसाब मांगा। वजीर जब हिसाब देने लगा तो हिसाब सही दे नहीं पाया।
नायब वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना कि ये आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा है। बस ये सुनकर बादशाह को जलाल आ गया और बादशाह ने उस वजीर को निकाल दिया और कहा कि अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, जाओ अपने लिए और काम ढूंढ लो। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर जा ही रहा था तो रास्ते में दोनों को भूख लग गई। उन्होंने तरबूज खरीदा, उस तरबूज को अपने रुमाल में बांध लिया, चाह के किसी साहिल के किनारे जाकर खाएंगे। और उधर जो बादशाह का बेटा शिकार पर गया था, शाम हो गई मगर वो वापस नहीं आया। बादशाह बहुत परेशान था। इतने में नायब वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि उस वजीर ने जिसको आपने निकाला था, कहीं उस वजीर ने आपके शहजादे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुला लिया और कहा, जाओ उस वजीर को पकड़कर हमारे पास ले आओ, अगर उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाही उस वजीर को ढूंढते ढूंढते उस वजीर के पास पहुंच गए और पूछा कि शहजादा कहाँ है, तो उस वजीर ने कहा कि मुझे क्या मालूम। तो सिपाहियों ने उस वजीर को और उसकी बीवी को बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह ने जब वजीर के हाथ में रुमाल में कुछ बंधा हुआ देखा तो बादशाह ने कहा कि रुमाल में क्या है, तो वजीर ने कहा कि तरबूज है। बादशाह ने कहा कि खोलो इसको। जैसे ही उसको खोला गया तो उसमें शहजादे का सर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। बादशाह ने कहा कि इस वजीर और उसकी बीवी को कैद कर दो, सुबह इन दोनों के सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। वजीर रोता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बादशाह ने कुछ न सुना। जब उन दोनों को कैदखाने में डाल दिया गया, दोनों मियां बीवी रो रहे थे। वजीर रोते रोते कहता रहा कि अचानक से हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी ये सजा है। इतने में वजीर की बीवी रोकर कहने लगी कि बुरा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है हमारे यहाँ एक नौकरानी थी, वो कल मेरे पास आई थी, आज वो शहजादी की तरह रहती है। मैंने जब उससे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए, तो उसने कहा कि इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी नजर करो और फिर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने उसकी बात को झूठा समझा और मुझे लगता है कि तभी से हमारे हालात बदल चुके हैं। वजीर ने कहा, ऐ बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा, तुमने इमाम के मौजे पर शक किया, तौबा करो। और मिलकर दोनों मियां बीवी तौबा करने लगे और दोनों ने ये दुआ कर ली, ऐ मेरे अल्लाह, अगर हम दोनों को रिहाई मिल गई तो हम हर साल 22 रजब को इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम की न्यास करेंगे। बस दोनों ये दुआ मांगकर रो रो कर सो गए। सुबह का सूरत लू हुआ तो अचानक उस बादशाह का बेटा यानी शहजादा घूमता फिरता अपने महल को आ पहुंचा। बादशाह शहजादे को देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, तुम कहाँ थे। शहजादा कहने लगा, मैं तो शिकार पर गया था। बादशाह हैरत से पूछने लगा, फिर ये सर किसका था, जाओ जल्दी से वजीर और उसकी बीवी को बुला लाओ। वजीर और उसकी बीवी बादशाह की खिदमत में लाए गए और उन्होंने पूरा वाकया बादशाह को सुनाया। बादशाह ने इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम का नाम सुना और उन्होंने कहा, आज से हर साल 22 रजब को जहाँ जहाँ मेरी सल्तनत है वहाँ इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम की न्यास दी जाएगी। और वजीर को वापस अपने ओहदे पर कायम कर दिया और नायब वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया।